सवर्ण महिलाओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मंत्री बिसाहूलाल सिंह को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास स्थल पर बुलाकर समझाइश दी। गौरतलब है कि बिसाहूलाल सिंह ने सवर्ण महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर विपक्षी दल कांग्रेस और करणी सेना ने उनको आड़े हाथों लिया था। करणी सेना ने कल वाहन को धक्का देकर चेतावनी भी दी थी कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे वाहन को आगे नहीं जाने देंगे। पुलिस ने वह मुश्किल कार्यकर्ताओं को अलग किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्री बिसाहूलाल से इस मुद्दे पर उनका पक्ष जाना और भविष्य में कुछ भी बोलने से पहले सावधानी रखने के लिए उन्हें कहा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सख्त लहजे से मंत्री को चेतावनी देते हुए भविष्य में संभल कर बयानबाजी करने की हिदायत दी। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं और मंत्रियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि संभल कर बोले, सभी को अनुशासन का पालन करना चाहिए, जो भी गलत बयानबाजी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। माँ बहन बेटी का सम्मान और उनका कल्याण भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, मेरे लिए सर्वोपरि है। माँ बहन और बेटी हमारे लिए देवी तुल्य है और उनके कल्याण के लिए हम अनेकों योजनाएं चला रहे हैं। अभी मैंने सरकार के मंत्री बिसाहूलाल सिंह को बुलाया था, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है अपने वक्तव्य के लिए। भावना कुछ भी हो, संदेश गलत नहीं जाना चाहिए। एक एक शब्द तौल तौल के बोलना चाहिए। मैंने चेतावनी दी है कि ऐसे कोई वक्तव्य किसी भी हाल में नहीं आने चाहिए जिससे तनिक भी गलत संदेश जाए। और कोई हो मंत्री कार्यकर्ता अगर इस तरह की भावनाओं का प्रकटीकरण करेगा कि जिससे संदेश भी गलत जाते हैं, तो हम क्षमा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और मंत्रियों को भी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। मैं जीवन भर माताओं बहनों का सम्मान किया है। मेरे वक्तव्य एक वक्तव्य के कारण अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, मुझे क्षमा करें। साथ ही सीएम ने कहा कि सभी वर्गों की माँ बहन और बेटियों का कल्याण और सम्मान बीजेपी सरकार की पहली प्राथमिकता है। हमने बिसाहूलाल सिंह से बात की है, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है और यह निर्देश दिए हैं कि भावनाएं चाहे जो भी हो, संदेश गलत नहीं जाना चाहिए। भोपाल से मृदुभाषी के लिए मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।